हाय गाइस, आज की हमारी टैक्स के जानलेवा टॉपिक्स विद एग्जांपल की सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 112A को और उसकी टैक्स लायबिलिटी आप कैसे निकालते हैं। आइए इसको आसान बनाते हैं। सेक्शन 112A एक सेक्शन है जो ये बताता है कि अगर आपको कोई LTCG हुई है जिस पे कि आपने STT पे किया है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी एट द रेट 10% विदाउट इंडेक्सेशन। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लाख रुपए तक के ऐसी LTCG पर टैक्स नहीं भरना होगा। सो ओनली द LTCG विच इज अबव 1 लाख रुपीज वही टैक्सेबल होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 3.20 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो आपको उसमें से सिर्फ 2.20 पे ही एट द रेट 10% का टैक्स भरना पड़ेगा। नाउ आप सब जानते हैं कि बहुत लंबे समय तक LTCG जो शेयर्स वगैरह पे लगता था वो एग्जेम्प्टेड हुआ करता था। ठीक है, शेयर्स पे जब आप LTCG कमाते थे रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे बेच के, जिसपे कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया जाता था, उस पे आप कोई टैक्स नहीं भरते थे। लेकिन फिर मोदी जी की सरकार ने नया तरीका ढूंढा कि भाई इसे भी टैक्स लगाना है। तो जब इस पे टैक्स लगाया गया तो LTCG ऑन शेयर्स एज वेल एज इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, ये दो चीजों पर ये वाला नियम एप्लीकेबल होता है। तो उन्होंने क्या किया कि तारीख 1/2/2018 यानी कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 01/02/2018 इसे टैक्सेबल बना दिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि लोगों ने शोर मचाया कि भाई हम तो 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से शेयर्स होल्ड करके बैठे थे इस उम्मीद में कि हम इसे जब भी बेचेंगे हमें इस पे किसी प्रकार का LTCG का टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, और अब आप अचानक से कह रहे हैं कि नहीं जी तुम्हें इस पे टैक्स भरना पड़ेगा, तो ये हमारे साथ नाइंसाफी है। तो एक बड़ा अच्छा ग्रैंड प्रोविजन आया ग्रैंड फादरिंग का, जिसके तहत ये बोला गया कि भाई तुमने जब भी इसे ओन किया था वहां से लेके 1 फरवरी 2018 से पहले तक का जो प्रॉफिट होगा ना उस पर तुम चिंता मत करो, हम टैक्स नहीं लेंगे। उसके बाद का जो टैक्स, उसके बाद अगर तुमने कोई अप्रिसिएशन हुआ, प्राइस बढ़ा, उस पर हम टैक्स लेंगे। तो इसको किस तरीके से एक्चुअली ऑपरेट करते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसमें एक ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जो आपको समझना है कि देखो जब भी अपने CG में अगर सेल ऑफ शेयर्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो सबसे पहली चीज हो जाएगी कि आपको सेल कंसीडरेशन लिखना है। तो ये तो आपको सम में एक्चुअली बताया होगा कि आपने शेयर कितने में बेचा, वो लिख दीजिए। अगर किसी प्रकार का ब्रोकरेज कमीशन का जिक्र है तो वो लिख देंगे, तो आपके पास में नेट सेल कंसीडरेशन आ जाएगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करना है। इंडेक्स वगैरह यहाँ पे है नहीं, तो सिर्फ आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालना है ये सीखना है। नॉर्मल सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि जितने में हमने शेयर को एक्चुअली खरीदा था वो प्राइस लिख देते हैं। लेकिन अब अगर यहां पे वो प्राइस लिखेंगे तो 10 साल 15 साल जितना भी मैंने आज तक CG कमाया सब पे टैक्स लग जाएगा। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई इस CUA को निकालने का एक स्पेशल तरीका है, आइए देखते हैं क्या होगा। तो CUA शैल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग। CUA क्या होगा? हायर ऑफ द फॉलोइंग का, जिसमें पहली चीज उन्होंने क्या बोली, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 यानी कि 1 फरवरी से टैक्सेबल किया था तो उसके एक दिन पहले का फेयर मार्केट वैल्यू ले लो 31/1/18 और एक्चुअल सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर, और ऑप्शन बी में आप ले लेते हो एक्चुअल परचेज प्राइस। इन दोनों में से विच एवर इज हायर उसे आप अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिख देंगे और इसे लेस करने के बाद में आपके पास में LTCG आ जाएगा जो 112A के तहत
एट द रेट 10% टैक्सेबल होगा। अगेन आपको याद रखना है कि 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्टेड है और उसके ऊपर की जो अमाउंट है उस पर टैक्स लगेगा। आइए अब ये जो चीज हमने लिखी है इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। सो लेट अस से कि हमें बताया गया कि सेल कंसीडरेशन जो है, हैंडराइटिंग के लिए आपसे माफी चाहूंगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और सुनेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो सेल कंसीडरेशन लेट अस से 60 लाख रुपए का है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर आपको कुछ बताया नहीं है, तो हम कह देते हैं कि हमारी नेट सेल कंसीडरेशन जो है वो भी 60 लाख रुपए की। अब आपको लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसके लिए आपको क्या क्या डिटेल्स बताई है आइए देखते हैं। अलग अलग केसेस डिस्कस कर लेता हूं, केस 1, 2, 3। यहां पे आपको बताया कि एक्चुअल कॉस्ट आपकी थी लेट अस से 40 की, 65 की, 50 की, और जो फेयर मार्केट वैल्यू था एज ऑन 31/1/18 वो हम ले लेते हैं 50, 70 और 30 का, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सेल कंसीडरेशन आपने लिख दिया है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर आपने लिख दिया है, नेट सेल कंसीडरेशन आ गया। अब आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपको पता है कि ए और बी में से जो वैल्यू हायर आ रही है वो लेनी है। ए में आपको कंसिडर करना है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/18, तो वो वैल्यू है 50। इसके साथ आपको कंपेयर किसे करना है, फेयर मार्केट के साथ आपको कंपेयर करना है एक्चुअल सेलिंग प्राइस को। तो यहाँ पे एक्चुअल सेलिंग प्राइस तो आपको पता ही है, हर एग्जाम्पल में 60 ही आएगा, तो अब आपको 50 और 60 में कंपेयर करना है और विच एवर इज लोअर लेना है, तो 50 आया। और फिर सेकेंड ऑप्शन आपका है एक्चुअल परचेज प्राइस, तो यहां पे आपको 40 और 50 में विच एवर इज हायर वो लेना है, तो 40 और 50 में हायर हो जाएगा 50। तो अगर आप यहां पे कॉस्ट में 50 लाख लेस करते हैं तो आपका 10 लाख आएगा, जिसमें से 1 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, 9 लाख पे एट द रेट 10% का टैक्स लग जाएगा। ऑल्टरनेटिवली क्या हो सकता था कि 70 और 60 में आप कंपैरिजन करते तो लोअर वैल्यू 60 आता, फिर 60 और 65 में कंपैरिजन करते तो आपकी हायर वैल्यू 65 आती, और उस सिचुएशन में आपका नेट सेल कंसीडरेशन 60 और लेस आप करते कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 65 तो आपका 5 लाख का लॉस आ जाता। इसी तरीके से थर्ड केस में आप 30 और 60 में कंपेयर करते तो विच एवर इज लोअर 30 होता, लेकिन 30 और 50 में विच एवर इज हायर कंपेयर करते तो 50 हायर आता, और आप 60 से 50 लेस करते तो आपका 10 लाख का प्रॉफिट आ जाता, ठीक है। आई होप आपको 112A समझ में आया। एक बार वापस से अगर बताऊं सिंपल शब्दों में, टॉपिक सिर्फ इतना सा है, आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी होती है जो हो जाती है विच एवर इज हायर। ऑप्शन 1 में आप लेते हो जो भी एफएमवी था एज ऑन 31/1/18 का और एक्चुअल सेलिंग प्राइस, इसमें से विच एवर इज लोअर जो है वो आपका ए में आएगा, और बी में आप लिखोगे एक्चुअल परचेज प्राइस। बस इसके बाद 112A में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। याद रखना है कि यहां पे किसी प्रकार का कोई इंडेक्सेशन नहीं होता। यह भी याद रखना है कि 1 लाख रुपए के ऊपर जो अमाउंट है उसी पे 10% का टैक्स लगेगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आपके फ्रेंड्स अगर इस टॉपिक को लेकर परेशान है तो प्लीज उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए। दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। हैव अ गुड डे।